हेलो क्लास दिस इज योर मैथ सेशन एंड एवरी वन आउट पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी एट क्लास आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है लीटर्स एंड मिली लीटर्स इसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मेजरिंग लेंथ हम चैप्टर कर रहे हैं मेजरमेंट का मेजरमेंट यानी किसी चीज़ को मापना पहले मैंने आपको लेंथ मापने की यानी किसी चीज़ की लंबाई मापने के बारे में बताया था जब कोई छोटी सी चीज़ होती है तो हम उसे सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में सी एम लिखते हैं और कोई बड़ी चीज़ होती है तो उसे हम मीटर में मेजर करते हैं यानी मीटर में मापते हैं और ये दोनों ही लेंथ मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट हैं ठीक है यानी इनकी लंबाइयों को आप किसी भी स्केल से किसी भी रूलर से या किसी भी मीटर रॉड से आ, मेजर करोगे तो सेम लेंथ होगी ठीक है और हंड्रेड सेंटीमीटर मिलके के वन मीटर बन जाते हैं आप जानते हो छोटी छोटी चीज़ मिलके बड़ी चीज़ बन जाती है तो छोटे छोटे जो सेंटीमीटर्स होते हैं वो हंड्रेड सेंटीमीटर मिलके कितने बन जाता है वन मीटर नेक्स्ट मैंने आपको लेंथ के बाद में वेट के बारे में पढ़ाया था वेट यानी हम किसी चीज़ के वज़न को कैसे मापते हैं जो भारी चीज़ें होती हैं हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो वेट है हम किलोग्राम्स में, में मेजर करते हैं ठीक है और जो हल्की चीज़ें होती हैं उन्हें हम ग्राम्स में, में मेज़र करते हैं और 100 किलोग्राम में 1000 थाउजेंड ग्राम्स होते हैं 100 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 थाउजेंड ग्राम ठीक है और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लीटर एंड मिलीलीटर। लीटर एंड मिलीलीटर का यूज़ किसको मेजर करने के लिए होता है लिक्विड चीज़ों को लिक्विड यानी कि तरल लिक्विड uh, चीज़ें होती हैं जैसे कि वाटर मिल्क ऑयल ऐसी चीज़ों को बच्चों हम अपने हाथ हाँ, हाँ, में नहीं पकड़ सकते हैं इसे हम किसी कंटेनर में ही रख सकते हैं कंटेनर यानी किसी बर्तन में और लिक्विड चीज़ों की एक स्पेशल बात यह होती है कि इनकी कोई शेप नहीं होती आप इसे जिस कंटेनर में जा डालोगे उसी शेप की हो जाती है जैसे वाटर वाटर को अगर आप ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास जैसी शेप का हो जाएगा बाउल यानी कि कटोरी में डालोगे तो वो कटोरी की जैसी शेप का हो जाएगा ठीक है तो ये सब लिक्विड चीज़ें होती हैं और लिक्विड चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लीटर या मिली का यूज़ करते हैं जब लिक्विड चीज़ स्मॉल क्वांटिटी यानी कम मात्रा में होती है तो हम उसे मिलीलीटर में मेजर करते हैं ओके और मिलीलीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एम एल एम एल का मतलब होता है मिलीलीटर और जब कोई चीज़ लार्ज क्वांटिटी में होती है लार्ज यानी कि ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसे हम लीटर में मेजर करते हैं और लीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है एल वन थाउजेंड सॉरी वन लीटर में वन थाउजेंड मिली लीटर होते हैं ओके वन लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं वन थाउजेंड तो चलिए अब हम इस नेक्स्ट पेज पे अपना क्विक असेसमेंट करते हैं राइट द करेक्ट यूनिट एल और एम एल फॉर द फॉलोइंग कंटेनर इन कंटेनर्स में यानी ये जो बर्तन है आपको बताना है कि इसमें हमें लीटर लिखना है या मिली लीटर अगर इसमें कम क्वांटिटी में कम मात्रा में चीज़ आती है तो मिलीलीटर लिखोगे ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में चीज़ आती है तो आप लीटर लिखोगे जैसे नंबर वन में आप देख सकते हो एक कोल्ड ड्रिंक का कैन है तो कोल्ड ड्रिंक तो थोड़ी सी ही होती है इस कैन में तो हम यहाँ लिखेंगे मिलीलीटर आई ड्रॉप तो आई ड्रॉप भी बहुत छोटी सी बॉटल होती है ये भी मिलीलीटर वाटर टैंक वाटर टैंक का जो हमारी पानी की टंकी होती है और वो तो बहुत बड़ी होती है उसमें ढेर सारा पानी आता है तो ये भी किस में मेजर होगा लीटर में और ये बकेट है बकेट में भी बहुत सारा पानी आता है तो आप यहाँ पर भी लीटर लिखेंगे नाउ इट्स टाइम फॉर सेल्फ प्रैक्टिस e fill in ब्लैंक्स विद करेक्ट यूनिट लीटर और or milliliter यहाँ पे भी आपको uh, fill in the ब्लैंक में लीटर या milliliter लिखना है और teaspoon can कैन होल्ड यानी जो छोटा चम्मच होता है उसमें अबाउट कितने uh, कितना लिक्विड आता है अबाउट five milliliter ठीक है छोटा जब मैंने आपको बताया कि जब कम मात्रा में कम क्वांटिटी में चीज़ हो तो मिलीलीटर में होती है तो यहाँ पे लिखेंगे फाइव मिलीलीटर। आई ड्रैंक मैंने पिया टू हंड्रेड मिली लीटर ऑफ जूस टू हंड्रेड मिली लीटर जूस पिया आई बॉट मैंने ख़रीदा फाइव लीटर ऑफ़ कुकिंग ऑयल कुकिंग ऑयल आपने देखा है बड़ी बॉटल होती है कुकिंग ऑयल यानी खाना पकाने का तेल तो खाना पकाने का तेल हम बड़े से कंटेनर में ही लेते हैं ठीक है थीके? बड़ी बॉटल या कैन होता है तो टू हंड सॉरी फाइव लीटर और बकेट कैन होल्ड एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है ट्वेंटी लीटर ऑफ वाटर ठीक है बीस लीटर पानी तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है और ये पोर्शन अब अपनी बुक्स में ही करेंगे इस वीडियो को अच्छे से समझ के नाइन ई प्रैक्टिस आपको करने के बाद में सेल्फ प्रैक्टिस नाइन ई करने के बाद में आपको ये वर्क मैं नोटबुक में दे रही हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आप आज की डेट में करेंगे और आज की डेट आप यहाँ करेक्शन कर लेंगे सॉरी uh, करेक्शन नहीं आप यही डेट यहाँ लिखेंगे ट्वेंटी थ्री इलेवन ट्वेंटी और चैप्टर नाइन मेजरमेंट लिखिए मैं कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स आपको दे रही हूँ करने के लिए जो आपको करने हैं अपनी नोटबुक्स में यू कैन टेक द स्क्रीन और अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नंबर वन इज स्मॉल लेंथ्स आर मेजर्ड इन स्मॉल लेंथ यानी कि छोटी लंबाई को किसमें मेजर करते हैं किसमें मापते हैं इन सेंटीमीटर तो आप यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर और ब्रैकेट में इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखेंगे सी एम लार्ज लेंथ यानी कि लंबी लंबाई आर किस में मापी जाती है इन मीटर ठीक है तो आप यहाँ लिखेंगे कि जब कोई चीज लंबी होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं मीटर में और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे एम टू वे लाइटर ऑब्जेक्ट टू वे यानी किसी चीज का वजन तोलने के लिए जो लाइटर हल्के वजन की चीज है वी यूज़ हम किसका यूज़ करते हैं ग्राम्स और ब्रैकेट में आप जी लिखेंगे ग्राम का शॉर्ट फॉर्म टू वे हैवियर ऑब्जेक्ट भारी चीज़ को भारी चीज़ का वजन तोलने के लिए वी यूज़ हम क्या इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम्स और इसका भी आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे के जी टू मेजर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जब आपको लिक्विड चीज़ को स्मॉल क्वांटिटी में मेजर uh, करनी है कम मात्रा में तो हम किसको यूज़ करेंगे वी यूज़ मिलीलीटर और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे एम एल टू मेजर लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अगर आपको लार्ज क्वांटिटी यानी ज़्यादा मात्रा में कोई लिक्विड चीज़ को मेजर करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं लीटर्स ठीक है ब्रैकेट में एल लिखेंगे वन मीटर हैज़ वन मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं हंड्रेड ठीक है वन मीटर हैज़ हंड्रेड सेंटीमीटर्स वन लीटर हैज़ वन लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं वन थाउजेंड मिली लीटर वन लीटर हैज़ वन थाउजेंड मिली एंड नाइन्थ इज़ वन किलोग्राम्स वन किलोग्राम्स हैज़ वन थाउजेंड ग्राम वन किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं वन थाउजेंड ग्राम तो आई होप सभी कोई बच्चों को समझ में आ गया है और इसी तरह से इसे आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में करेंगे और साथ के साथ में इसे लर्न भी करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू सो मच